दिली दुख हुआ है कि हमने बहुत गरीब लोगों के साथ बुरा किया है कि बेटियां डाल के उसके बाद इकट्ठे करके पैसे लिए, अभी नई थी तो उठ गई। फीलिंग्स चेक करें नाज़रीन, ये जो ऑनर है इनकी अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं और ये देखें अब ये बैठे, इन्होंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया, एक वो जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो उसमें नज़र आ रही है। कभी भी अपनी प्राइवेट गाड़ी को अगर जब मैं सफ़र कर रहा हूँ या दोस्तों के साथ हूँ, मैं उसे डेजिग्नेटेड पार्किंग के बगैर उसे खड़ा नहीं करता। कितने नंबर देंगे पुलिस को 100 में से? 100 का 100 ही दे दूंगा। चले जी, मुझे गाड़ी मिल गई तो मैं तो 100 दूंगा। ये इनके इनसे मैं चाय खा ला, चाय कुछ भी नहीं होता कि यार चाय और खाने मेरे से खा ले, इन्होंने अपने पास से मुझे खिलाया। यार यकीन करें ऐसे बंदे जिंदगी में नहीं नजर मिलेंगे। नाज़रीन, अगर किसी की मेहनत से कमाई हुई गाड़ी या मोटरसाइकिल चोरी हो जाए तो उसके जो जज्बात हैं वो दुनिया का कोई भी कैमरा ना दिखा सकता है ना छुपा सकता है, लेकिन अगर वही उसकी गाड़ी या मोटरसाइकिल मिल जाए और ढूंढने वाली भी पुलिस हो तो उसके जज्बात कैसे होते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। वेलकम टू द पुलिस स्टॉप। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो गाड़ियां, जो मोटरसाइकिल्स मिली हैं लोगों को वापस दी जा रही हैं, मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, शरीफ आदमी की गाड़ी या बाइक गुमी थी, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं उनके भी फीलिंग्स कैसी हैं, गाड़ी मिल गई बाइक मिल गई वो पुलिस को किस तरह इजहार तशक्कुर पेश करेंगे, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा आपकी क्या चीज़ चोरी हुई थी? ये हमारी गाड़ी थी होंडा से। कब चोरी हुई थी? ये कोई 3 महीने पहले चोरी हुई थी। उम्मीद थी मिलेगी? जी उम्मीद थी, बिल्कुल मिलेगी। क्या रीजन थी, क्यों उम्मीद थी? हमें हमारी गाड़ी जेन्युइन थी। नहीं गाड़ी तो जेन्युइन थी, आपकी कमाई भी जेन्युइन होगी, लेकिन पुलिस पे इतना ज्यादा किस तरह आपको उम्मीद थी? नहीं पुलिस का भी ये ना कि पुलिस जो काम करना चाहती है उसको कर लेती है। ठीक है, हाँ जी। आप सेटिस्फाइड है? जी सर। कितने नंबर देंगे पुलिस को इसमें? तो 100 नंबर देंगे। 100 में से 100 सोच लें। जी बिल्कुल। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त उसी ये जो गाड़ी रिकवर हुई है उसी केस के आयो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौजूद, आई उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा साहब, ढूंढ के दिखा दी आपने गाड़ी, नंबर आपके पूरे हो गए, क्या अब आपको आगे किस तरह फीलिंग आ रही है आपकी? हम अपने अफसरान के बाला की जो सजेशन होती है, जो उनके हमारे बारे में हदायत होती है, उनके मुताबिक अमल करते हैं। और दूसरी बात है जो जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए हम वो कोशिश करते हैं, ठीक है, उससे हेल्प लेते हैं, और जो रवायती तरीक़ेकार हैं वो भी अपनाने पड़ते हैं। तो इंशाल्लाह अगर पूरी कोशिश ईमानदारी से करें तो नामुमकिन नहीं है। लोग सेटिस्फाइड हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं तो ढेर मिल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। शायद इन दुआओं की वजह से, बिल्कुल ये मेहनत है और ये मेहनत लोगों की दुआओं की वजह से अब वो मजीद इसमें चीज़ में तरक्की करें। आइए और लोगों से बात करते हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ, आइए। अच्छा बात यूँ है कि वहाँ पे एक शहरी से बात की, एक मेरे साथ एक आदमी शहरी मौजूद है, मौजूद शहरी, इनकी भी बाइक या मोटरसाइकिल रिकवर हुई है। ना सिर्फ उन्हें वो बता रहे हैं पिकअप उनकी चोरी है, ना सिर्फ उन्हें उनकी गाड़ी रिटर्न की गई है, बल्कि उनको प्रॉपर उनको चाय भी पेश की जा रही है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम नदीम है, मेरी पिकअप चोरी हुई थी अमीन पार्क से। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ये 12 तारीख को चोरी हुई थी, 10-15 दिन के अंदर पुलिस ने काफ़ी तामन किया। और मुझे उम्मीद थी मिल जाएगी? मुझे तो नहीं लगता था कि मिल जाएगी जैसे हालात थे, मगर जिस तरह पहले ये ऐसे हुआ कि FIR उसी दिन मेरी काटी गई और 2-3 दिन बाद उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, उससे मुझे उम्मीद थी। और अल्लाह के पुलिस की कारकर्दगी से मुतमिन है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, पहले से कारकर्दगी इनकी बहुत बेहतर है। नाज़रीन बहुत अच्छी उनकी, उन्होंने एक बात की कि पहले से कारकर्दगी बहुत अच्छी है। क्या मैसेज देंगे लोगों को जो पुलिस को हर टाइम कहते रहते हैं काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती? मैसेज सर इतना है कि अल्लाह की रजा के लिए पूरी ईमानदारी से सबको काम कर, जो पुलिस अफसरान हैं उनको ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, जो आवाम है उनको पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए। तो और मैं क्या कह सकता, मैसेज यही है कि आवाम को सपोर्ट करना चाहिए और पुलिस वाले ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उनके अच्छे काम को बकअप भी करना चाहिए। आइए चलते हैं, मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, लोग बड़े खुश हैं, लोगों की गाड़ियाँ मिल गई हैं, मेहनत की कमाइयाँ जब वापस मिलती हैं तो कैसी फीलिंग्स है, आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन जहाँ पे आम शहरी इफेक्ट हो रहा है वहीं पे हमारे लॉयर्स भाई मौजूद हैं हमारे साथ, उनकी भी कोई ना कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल चोरी होगी थी, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बताइए आपका क्या चोरी हुआ था? मेरी कार टोयोटा क्रोला से चोरी हुई थी। कब हुई थी चोरी? 2 महीने पहले मैक्सिमम राउंड अबाउट। आप क्या कोई उम्मीद थी मिल जाएगी? उम्मीद थी भी नहीं भी थी, क्योंकि हर जगह जैसे लोग नहीं होते हैं। अच्छा अगर हम कहें कि पुलिस में सारे अच्छे हैं या सारे बूढ़े हैं तो ये गलत बात है, आती है तो हर जगह अच्छे बुढ़े लोग होते हैं। उम्मीद भी थी और नहीं भी थी, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मिली। पुलिस के किरदार को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप जो लॉयर्स हैं आपका एक बड़ा एक क्लोज उनके साथ इंटरेक्शन होता है, मतलब भाई प्रोफेशन में भाई भाई हैं। अच्छा तो मैं आपको फिर वही कहूँगा कि हर जगह बुढ़े अच्छे लोग दोनों साइड पर होते हैं, तो पुलिस अच्छी भी है, बूढ़ों को देख के अच्छे को बुरा नहीं कह सकते। बिल्कुल ऐसी बात है, तो पुलिस अच्छी भी है बुरी भी है हर जगह अच्छी बुरी। आज एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने नंबर देंगे पुलिस को 100 में से? सर मुझे गाड़ी मिल जाए तो मैं तो 100 दूंगा। नाज़रीन
खुशी उनके चेहरे से आया है, गाड़ी मिल गई, लॉयर भाई हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस उनके साथ एक ब्रदर वाइज, प्रोफेशन वाइज वो ब्रदर है। और उनकी बड़ी अच्छी अच्छा कॉमेंट था, अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, अच्छे काम को दिखाने की ज़रूरत है, बुराई ढूंढेंगे बुराई बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन जब अच्छाई ढूंढेंगे अच्छाई से ना सिर्फ आप अच्छा फील करेंगे, आपकी सोसाइटी में एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। आइए और भी लोग हैं और इसके बाद हम SSP साहब से भी बात करेंगे, इस सारे ये जो उनके रिकवरी का प्रोसेस है, लोगों को हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर का सारा प्रोसेस है, उस बारे में भी लोगों से जानेंगे। आइए मेरे साथ नाजरीन एक और कारी अमीन साहब, आप मेरे हाथ में इनवेलप देख रहे हैं, इनवेलप में लाजमी किसी बाइक की चाबी मुझे लग रही है, और जो खुशी की बात है वो इस इन जो हमारे शहरीन के चेहरे से आया हो रही है, बहुत खुश। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं ये बाइक उन्हें कितने दिनों में रिकवर हुई उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जी माशाल्लाह मेरी बाइक मस्जिद के बाहर से चोरी हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉल फ्रेंड के हमारे दोस्त थे वो और मुनीर खान साहब जो मिल के जी माशाल्लाह उन्होंने जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जी, हाँ जी जी, तो उन्होंने माशाल्लाह मुनीर खान साहब ने जो है वो मेरी बड़ी मेहनत से बाइक ली होगी, बड़ी हाँ पैसे कमा के। हाँ जी, तो क्या फीलिंग्स क्या आ रही थी जब चोरी हुई थी? सब कुछ हमने कहा इतनी देर कमेटियां डाली और जो है ना कमेटियां डाल के उसके बाद इकट्ठे करके पैसे लिए, अभी नई थी तो उठ गई उठा ली किसी। नाज़रीन देखिए कमेटियां डाल के एक शख्स ने गाड़ी अपनी बाइक खरीदी और उसकी बाइक चली जाए, वो फीलिंग्स ऐसी हैं जो ये लेंस करोड़ों का लेंस भी हो वो फीलिंग्स नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज़ लाजमी देखी जा सकती है जो खुशी है वो एक आम कैमरा भी दिखा सकता है, ये कितने खुश हैं, इनकी खुशी काबिले दीद है। और मैं इनके लिए यही दुआ करूँगा ये अपनी नेक्स्ट टाइम अपनी बाइक को लाजमी उसके प्रॉपर लॉक करें। मैं जिन्होंने मुझे मोटरसाइकिल मुनीर खान साहब ने इंस्पेक्टर ने वापस दिलवाई उनका शुक्रगुजार भी हूँ, और जो इनमें अमला है उनका शुक्रगुजार भी हूँ, और हमारे दोस्त थे डॉल्फ्रेंड के DSP साहब टाउनशिप के, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, तो उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल वापस दिलवाई। शुक्रिया दुआएं पुलिस के लिए, और इसी के साथ हम भी इन्हें खुश करते हैं आपकी बाइक की चाबी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभी एक और भी शहरी मौजूद है, उनसे भी। वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी क्या चीज़ चोरी हुई? मेरी डकैती हुई थी मेरे से मोबाइल और 1,80,000 रुपया। अच्छा, हाँ जी, और मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल वही दोनों चीज़ें कवर हो गई मेरी। अच्छा, मोटरसाइकिल भी कवर हो गई है और मोबाइल भी कवर हो गया। अच्छा, तो कब हुई थी चोरी? है 1 महीना पहले हुई थी। उम्मीद थी? हाँ सर, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, जबरदस्त। मैं खुश हूँ सर, नवाज साहब है DSP नवाज साहब, उन्होंने सर बड़ी मेहनत की और मेरा 1 महीने के अंदर रिकवरी करा दी मुझे। क्या वजह है वहाँ एक छोटी सी गलती होती है पुलिस के खिलाफ हो जाती है, पुलिस अच्छा काम भी करती है? सर पुलिस ने बहुत अच्छा काम कर रही है, जबरदस्त काम कर रही है। मुतमईन है? मैं मुतमईन सर, बहुत मुतमईन। कितने नंबर देंगे 100 में से? सर 100 के 100 ही दे दूंगा। तीसरी मरतबा 100 में से 100 नंबर मिले। नाज़रीन अभी मैं आपको एक ऐसे शहरी से मिलाने जा रहा हूँ जिनकी ये गाड़ी मेरे सामने नज़र आ रही है, गाड़ी रिकवर हुई है, कैसी फीलिंग्स आ रही हैं इस गाड़ी को एक अरसे बाद दोबारा छूते हुए, इसमें बैठते हुए, अपनी मेहनत की कमाई से ली जाने वाली गाड़ी को छूने में और चलाने में, अब उन्हें क्या उनकी फीलिंग्स आई उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या फीलिंग्स आ रही हैं गाड़ी को बड़े अरसे बाद दोबारा हाथ लगा रहे हैं? बहुत ज़्यादा खुशी हुई जी, बड़ी पुलिस ने बड़ी अच्छी एफर्ट है, पुलिस ने बड़ा तावन किया। अच्छा, पुलिस ने खुद ही कॉल करके सानू बुलाया। अच्छा, कोई गड्डी तोड़ी मिल गई? उम्मीद है ऐसी सच्ची सच्ची दसियो? नहीं कोई उम्मीद नहीं सी जी, असी तो भूल गए सा गड्डी भूल गए। अच्छा, हां जी अल्लाह पाक ने फिर दोबारा दे दी। की मैसेज दियोगे लोगों को जेडे लोग कहंदे ने पुलिस काम नहीं करदी? सर पुलिस काम करदी है, पर लोग है भाई गलत आखदे ने नहीं करदी, पुलिस काम करदी है, तो अगर काम करदी है तो इथे ना 20 20 साल पुरानी गड्डियां लोगों को मिल जाने। वाह, और ये देखें अब ये बैठे इन्होंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया, एक वो जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो उसमें नजर आ रही है। नाज़रीन लोगों की गाड़ियाँ घूमती हैं, लोग मेहनत से गाड़ियाँ कमाते हैं, लोगों की बड़ी फीलिंग्स होती हैं, अरसों की कमाइयाँ होती हैं, लेकिन वो एक लम्हा लगता है गाड़ियाँ चली जाती हैं, लेकिन जब वही गाड़ी पुलिस ढूंढ के दे देती है तब कैसी फीलिंग्स होती हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद रमजान। रमजान, क्या खरीदा था आपने जो चोरी हुआ? मेरे पास आल्टो मैंने ली थी नहीं। अच्छा, ऊबर पे चलाने के लिए तकरीबन 20 से 25 साल की मेहनत थी, 92 से लेकर और अब देखो 2020 जा रहा है, 92 से लेके 220 2020 तक इनकी कमाई थी। कितना अरसा पहले चोरी हुई? ये पिछले माह की 8 तारीख की रात को उबर के राइडर ने राइड लिया और गन पॉइंट पे गाड़ी और मोबाइल और पैसे ले गए। उम्मीद थी मिलेगी? मुझे अल्लाह पे और DSP साहब ने जब बातें की हैं ना अपना रईस खान साहब ने जब उनके पास बैठे हैं तकरीबन 1.5 घंटा
बड़ी बात थी, मैं खुद हैरान हो गया। मैं फिर अल्लाह की तरफ देखा, मैं कहा अल्लाह तेरी मदद इतनी जल्दी। ये देखिए, ये जो चेहरे की मुस्कुराहट है, इसकी कोई कीमत नहीं, इसका कोई मुतबादल नहीं है। वो जिस तरह खुश है, ये फीलिंग्स वही जानते हैं, और ये कैमरे का लेंस ही आपको दिखा पाएगा। वो जो गम है वो तो नहीं, जो इनके अंदर था वो तो हम कभी नहीं थे दिखा सकते, लेकिन जो खुशी है वो आप खुद देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी 25 साल की कमाई के बाद जब आप मिली है, पुलिस से आप मुतमिन हैं? बिल्कुल मुतमिन हूँ जी। ये अल्लाह वारिस साहब की टीम और रईस खान साहब ने मुझे बार बार भागा, किसी ने किसी को आपने कोई पैसा नहीं देना। अच्छा। लेकिन उनके कहने के अलावा भी ये इनसे मैं चाय का, हालांकि चाय कुछ भी नहीं होता, कि यार चाय और खाने मेरे से खा ले, इन्होंने अपने पास से मुझे खिलाया। यार यकीन करें, ऐसे बंदे जिंदगी में नहीं मिलते। ये जो खुशी है, ना पुलिस वालों ने इनसे कुछ चाय ली, ना पानी लिया, ना खाना खाया, बल्कि इनको खाना खिलाया और खाना खिला के गाड़ी की चाबी भी दी। 25 साल की कमाई जिस शख्स को मिल जाए वापस, ये खुशी ये उसी से पूछी जा सकती है। नाजरीन, एक और शहरी जो बड़े परेशान थे कुछ अर्सा पहले जब उनकी गाड़ी चोरी हुई, बड़ी अपनी दुख वाली एक दास्तां उनके पास मौजूद है, लेकिन वो खुशी के जो लम्हे जो अभी वो इन्जॉय करें वो भी उनसे पूछेगा। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अवैस है। अवैस, किस तरह ये सानिया हुआ? मैं सर करीम पे गाड़ी चला रहा था, तो मुझे राइड आई थी। अच्छा। पीकेएलआई हॉस्पिटल से मैं पिक करने गया, मैंने पिक किया तो उन्हीं ने ही मेरी गाड़ी मुझसे स्नैच कर ली गन पॉइंट। अच्छा। तो तीन अफराद थे। तो क्या फीलिंग्स थी, वो जो बेबसी की फीलिंग्स क्या थी? तो बस आप क्या कह सकते हैं कि वो ऐसा फील थे कि वो आपको बयान नहीं किया जा सकता, कि इंसान पे ना आसमान पे छत नज़र आ रहे, कुछ ना पाँव के नीचे कोई जमीन, आसमान से छत ले गया, पाँव से जमीन खिसक गई, कि बिल्कुल एक तरह से बेबसी का हाल। उम्मीद थी मिलेगी वापस? तो भी ऑनेस्टली के बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन गुजारा कैसे हो रहा था जब गाड़ी चली गई? बस गुजारा हो ही रहा था, अल्लाह पाक का शुक्र है थोड़ा बहुत चल रहा था। लेकिन जब ये डीएसपी साहब से मिला मैं आड़ा बाजार, जब मेरा अलग से गया तो डीएसपी साहब से मिला, फिर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे अल्लाह वारिस साहब, अनवर साहब, इन्होंने बड़ी होप दिलाई और बहुत अच्छा एफर्ट किया। विद इन 10 डेज के अंदर इन्होंने पहला मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा। और उसके बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और फिर साथ ही गाड़ी का भी पता चल गया कि जाकर गाड़ी भी बरामद हो गई। तो बिल्कुल हैरानकुन बात थी कि हमारे शहर में पुलिस का इस तरह से एफर्ट करना, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ये खासतौर पर अल्लाह वारिस साहब का। नाजरीन बता रहे हैं कि 10 दिन के अंदर उनकी गाड़ी मिल गई, एक ऐसी एफर्ट है, कमेंडेबल एफर्ट है लाहौर पुलिस की। हमें लोगों को दिखाने की ज़रूरत है, बुराई देखने चलेंगे तो बुराई से बुराई मिलेगी, लेकिन जब आप अच्छाई दिखाएंगे तो उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगी, लोग खुश होंगे और माशरे में पॉजिटिविटी फैलेगी। नाजरीन, अभी आपको हमने दिखाया उन लोगों से, उन शहरियों से, उनके चेहरे पे खुशी भी आपने देखी कि जिनको गाड़ियां वापस मिली हैं। और तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि हमारे पास उस वो लोग मौजूद हैं जो कन्विक्टेड हैं, जिन लोगों ने ये गाड़ियों को चोरी किया, वो लोग चालान होंगे। और मेरे साथ इस वक्त अभी मौजूद हैं अल्लाह वारिस साहब, जो इन जो इनको लेके आए हैं और इनको अभी मेरे ख्याल से जुडिशल पर वापस लेके जाएंगे। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह वारिस साहब, ये जो सारे लोग हैं, ये जितनी गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं, क्या इनसे हुई हैं? जी ये मुख्तलिफ इनकी गाड़ियाँ रिकवर की हैं इनसे, ये गाड़ियाँ स्नैच करते हैं। अच्छा। तो ये डिफेंस है, ये ऊबर पे ये पहले बुक करते हैं, बाद में उधर डिफेंस में जाकर ये उन्होंने स्नैच करके वो दो आदमी पास बैठ जाते हैं, उसके बाद दूसरे बंदे जो है ना वो उसको साथ लेकर चले जाते हैं। उसके बाद हमने इनको पकड़ा, पर असला भी रिकवर किया है इनको पकड़ा खान साहब, तो हमारे डीएसपी साहब ने। अच्छा। हमारे एजाज रशीद साहब, एसपी साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की हमारे साथ, उन्होंने हमें हमारी यार सहूलत दी, हमें तो उन्होंने मेहनत की, इंशाल्लाह फिर उन्होंने इनको पकड़ा। हाँ, तो उसके बाद नाजरीन ये तो पुलिस का वर्जन है, पुलिस का वर्जन ये है कि इनको पकड़ा, लेकिन अभी हम बात करते हैं हमारे साथ एक कन्विक्टेड, इनकी कन्विक्शन हुई, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, आपने गाड़ियाँ पकड़ी, कोई आपको ये जो आप चोरी करते रहे गाड़ियाँ, आज आप कन्विक्टेड आज पकड़े गए, कोई अफसोस, कोई पेशेमानी? अफसोस यही है कि दिली दुख हुआ है कि हमने बहुत गरीब लोगों के साथ बुरा किया है, ठीक है, लेकिन हमारे साथ जो है वो अच्छा तफ्तीश साहब, हमारे तफ्तीश साहब कर रहे हैं, आगे हमारी तफसीला अच्छा रही, हमारे रिकवरी आने वाले वक्त में जब भी सजा हो जाएगी बाहर आएंगे दोबारा करेंगे? नहीं, दोबारा नहीं करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश होगी कि हम जो है जराइम से जो है ना बचें। जो लोग जिन लोगों की भी गाड़ियां आपने चुराई, उनको जो जज्बात हैं उसका कोई मुतबादल नहीं है, वो जिस दुख और कर्ब से गुजरे हैं, क्या मैसेज देंगे उनसे, किस तरह माफ़ी मांगेंगे उनसे? हम उनसे इसी तरह माफ़ी मांग सकते हैं कि हमारे सामने तो वो है मौजूदा नहीं है, वरना हम उनके पाँव भी पकड़ लेते हैं कि सर हम माज़रत करते हैं, चलो गलती की है, ठीक है। नाजरीन, वो कहते हैं ना कि हाय उस पशेमा का पशेमा होना, अब क्या फ़ायदा, जब आपने लोगों का इतना नुकसान किया, लोगों के जज्बात, काफ़ी लोग, कुछ लोग लाहिके में होते हैं, गरीब होते हैं, 25-25 साल की लोगों की कमाइयाँ मिनटों में ले जाते हैं, कुछ गाड़ियाँ मिल गई, कुछ नहीं मिली, कुछ माशरे का एक ऐसा चेहरा ये मौजूद है हमारे सामने, इसको भी लोगों को दिखाने की ज़रूरत है।
जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल गफ्फार कैसरानी साहब के साथ, जो हमारे पास गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं। लोग बड़े खुश हैं। आइए इनसे पूछते हैं, अब्दुल गफ्फार साहब से, कि सर ये किस तरह इन्होंने सारे के सारे कार्रवाई अमल में लाई और कितनी तादाद में लोगों को गाड़ियाँ वापस मिली। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको पता है कि मोटरसाइकिल और गाड़ी लोगों की बड़ी कीमती प्रॉपर्टी होती है, और जिसके पास एक गाड़ी हो और बड़ी मुश्किल से उसने गाड़ी दी हो, या इवन गरीब आदमी कोई छोटा मुलाजिम है उसने मोटरसाइकिल लिया है 70,000-80,000 रुपये का, और वो कोई महीने बाद 6 महीने बाद चोरी हो जाए, तो उसके लिए बड़ी तकलीफ़ की बात होती है। और लाहौर में हमारी वारदातें इसमें कोई शक नहीं कुछ अरसे से हो रही थी और पहले भी हुई हैं, बट अच्छी बात यह है कि हमने 6 गैंग इसमें से बस्ट किए हैं, और 6 गैंग्स के टोटल 15 मेंबर्स थे जो हमने अरेस्ट किए हैं, और इनमें से हमारी कुछ 450-450 से ऊपर मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं, और कोई 50 के करीब हमारी कारें जो है ना वो बरामद हुई हैं, और 50 के करीब दूसरी गाड़ियाँ जो मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ वो बरामद हुई हैं। सर एक मैंने शहरी से बात की, 25 साल की उसकी मेहनत थी, उसकी कॉल्टो उसकी मिली, उसके चेहरे पे जो जिसे कहते हैं इत्मीनान था, खुशी थी, लाहौर पुलिस के लिए जो दुआएं थी, सर कमेंडेबल, उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है, वो ऐसे फीलिंग्स थी, वो ऐसे पे ऑफ है वो हम भी नहीं कर सकते। सर मुझे बताएं कि क्या आप मेजर रखेंगे, पैरामीटर्स रखेंगे आने वाले वक्त में, ये जो गाड़ियाँ चोरी होती हैं इसको हम रोकें किस तरह, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चल रहा है। जी बिल्कुल, इस तरह है कि मोटरसाइकिल और गाड़ी जो ऑटो थेफ्ट जिसको कहते हैं, ये बड़े शहरों में बिग सिटीज़ के अंदर ये बड़ा इशू है, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, इसके अंदर कोई शक नहीं है। और इसके दो तरीके होते हैं, एक तो प्रिवेंशन है कि आप उनके नाके लगाएं, आप प्रिवेंट करें, अपनी पेट्रोलिंग को बढ़ाएं और इस तरीके से इसको कंट्रोल करें, लेकिन मैं समझता हूं कि ये तरीका एक हद तक मौसर है, एक हद से आगे ये तरीका मौसर नहीं है। जो मेन जिसका कायल हूं जिस तरीके का, वो ये है कि प्रिवेंशन थ्रू डिटेक्शन, कि आप गैंग पकड़ें, आप जो लोग मुलव्वस हैं इसके अंदर, ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, उनको पकड़ें और उनको सज़ा करवाएं, उनसे गाड़ियां बरामद करवाएं, उनकी कन्विक्शन हो। बेसिकली होता ये है कि सम टाइम्स हम गैंग पकड़ के और उसको प्रॉपर प्रोसिक्यूशन नहीं होती, उसको सज़ा नहीं होती। अगर एक गैंग हमने पकड़ा मोटरसाइकिल लिफ्टिंग का, उसने 200 मोटरसाइकिल चोरी किया या 100 मोटरसाइकिल चोरी किया, और उसकी फिर 15-20 दिन बाद, महीने बाद, 1.5 महीने बाद अगर उसकी बेल हो जाती है, जमानत पर बाहर आता है, तो मैं समझता हूँ कि वो फिर इसको कहते हैं कास्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है कि मेरा नुकसान ये हुआ, मुझे फ़ायदा ये हुआ, महीने बाद मैं बाहर आ गया हूँ, तो वो नेक्स्ट प्लान क्या है, तो दोबारा करना शुरू कर देता है। मेरा ख्याल है अगर हम इनकी प्रॉपर प्रोसिक्यूशन करवाएँ, और जिसके ऊपर मेरा पूरा फोकस है, और इसमें टाउट हमारे जो बाज़ अदालतों के अंदर, कचहरी के अंदर मचल के देने वाले लोग हैं, उनको भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा उस इशू को, तो वो भी हमारे सेशन जैसे सबसे बात हो रही है, उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एड्रेस करें। तो इन शॉर्ट ये है कि मेरा जो कन्विक्शन है, मेरी जो कन्विक्शन है वो ये है कि प्रिवेंशन थ्रू डिडक्शन, आप गैंग बस्ट करें, उनको सज़ा करवाएँ, और जब एक गैंग बस्ट होता है तो अगले महीना 1.5 महीना आपका जो वो इलाका है वो काफ़ी हद तक सेव हो जाता है। सर लास्ट क्वेश्चन बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से सब लोग जानना चाहेंगे, सर लोग लाखों की गाड़ियां लेते हैं, अच्छी बाइक्स लेते हैं, पार्किंग के लिए स्टैंड मौजूद है, लोग पैसे बचाने के चक्करों में 5, 10, 50 रुपये के पीछे गाड़ी चोरी करवा लेते हैं, क्या आप उन लोगों को मैसेज देंगे? और एक और चीज़, क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो अंदर गए हैं ज़रा बार बाइक को, गाड़ी को छोड़ गए हैं स्टार्ट, क्योंकि ऐसे केसेस भी हैं लोग ले जाते हैं? ये बड़ा मैं बड़ी इसमें ओपन बात करना चाहता हूँ, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ऑब्वियसली, और ट्रिकी इन द सेंस कि अगर इस पर हम कोई बात करेंगे तो लोग इससे माइंड करते हैं कि पुलिस वाले अपना काम नहीं कर रहे और हमें एडवाइस करना शुरू कर दिए। तो बेसिकली ये है कि देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी शहरियों के ऊपर भी आती है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि रात को अपना घर का दरवाज़ा खुला छोड़ के तो कोई नहीं सोता, या अगर आप सिटी से बाहर जा रहे हैं तो अपने घर को अनलॉक करके आप नहीं जाते, उसको लॉक करते हैं। तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी प्रिवेंशन, थोड़ी सी केयर अगर हमारे शहरी भी इस पर करना शुरू कर दें तो हमारे लिए निस्बतन काम आसान हो जाएगा। और आप ठीक कह रहे हैं कि अगर 15 लाख की 20 लाख की गाड़ी है, अगर 50 रुपये या 20 रुपये आपने पार्किंग के ऊपर देने हैं तो उसको आपको माइंड नहीं करना चाहिए। और सर एक मैं आपकी बात को मजीद इसी में कंटिन्यू करेंगे, सर ना सिर्फ वो लोग जो 20 रुपये पे करें गाड़ी को सेव करें, रादर देन जो हमारे पास रॉन्ग पार्किंग की वजह से सिटी ट्रैफिक पुलिस को बहुत इश्यूज आते हैं। एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं, ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा होते हैं, अपनी गाड़ी को भी रिस्क पे। मैं आपको एक छोटी सी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जब भी किसी प्राइवेट गाड़ी पर हूँ, और उसका हो सकता है कि ये भी हो कि मैं गाड़ियाँ चोरी होते हुए देखता हूँ, एज ए पुलिस अफसर मुझे पता है गाड़ियाँ चोरी समटाइम हो जाती हैं और मुख्तलिफ शहरों के अंदर, तो मैं कभी भी अपनी प्राइवेट गाड़ी को अगर जब मैं सफ़र कर रहा हूँ या दोस्तों के साथ हूँ, मैं उसे डेजिग्नेटेड पार्किंग के बगैर उसे खड़ा नहीं करता। तो चूंकि मुझे पता है कि ये समटाइम्स इट हैपन्स, और आप वाली बात है कि आपने 20 लाख रुपये पैसे जमा किए हैं,
और या मोटरसाइकिल लिए 1 लाख रुपए का आपने कतरा कतरा करके गरीब आदमी उसको जमा कर, जो सफ़ेद पोश आदमी उसके पास इजाफी पैसे नहीं होते, वो थोड़ा थोड़ा करके जमा करता है। और अगर आप जमा करके एक मोटरसाइकिल लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, और आप 2 महीने चलाने के बाद खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, तो उसमें ज़ाहिर हमारा भी रोल है पुलिस का, मैं उससे एस्केप नहीं कर रहा, लेकिन साथ साथ शहरी भी थोड़ा सा अगर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और अपना कोई जिसको कहते हैं कि मोटरसाइकिल पर बैठे हैं तो उस पर हेलमेट पहन लें, उसको कोई लाख एडिशनल लाख लगा लें, उसको किसी पार्किंग के अंदर खड़ा करें, बजाय इसके कि जिस गली मोहल्ले में आपको जगह नज़र आती है आप उस पर खड़ा कर लेते हैं, तो लोगों के लिए भी इनकन्वीनियंस है, कम्यूटर्स के लिए भी इनकन्वीनियंस है, आपकी अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल भी रिस्क पे है। तो मैं ये लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि पुलिस का काम है इसको कंट्रोल करना, ऑब्वियसली हमारी जिम्मेदारी है, हम इससे एस्केप नहीं कर रहे, बट थोड़ी सी आपकी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना हमारे लिए और आपके लिए काफ़ी नुकसान से बच सकते। बहुत शुक्रिया सर, बाकी इट्स अ म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस एंड पब्लिक एट द सेम प्लेस। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, तस्वीर के आपने दो रुख देखे, एक रुख में आपने बहुत ज़्यादा खुशी देखी, लोगों को उनकी चीज़ें वापस मिली, और दूसरे रुख में आपने पशेमानी देखी, परेशानी देखी, शर्मिंदगी देखी। ये पुलिस का एक बहुत अच्छा ऐसा इकदाम है, माशरे में दिखाने की ज़रूरत है कि पुलिस कितना अच्छा काम कर रही है। हम सिर्फ एक ऐनक से पुलिस को बुरा ही कह सकते हैं, लेकिन दूसरी ऐनक को लगाते हुए पुलिस के अच्छे कामों को भी देखना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान उमर बख्त को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।